तो दोस्तों मकर संक्रांति यानी कि जिस दिन सूर्य देव मिलने जाते हैं अपने पुत्र शनि देव से मिलने मकर राशि में, और यही वो समय होता है जिस समय में खर मास की समाप्ति होती है, खर मास पूर्ण होता है और जो शुभ कार्यों का समय होता है वो भी शुरू हो जाता है। तो इस वर्ष की जो मकर संक्रांति है 14 को मनाई जाएगी या 15 को मनाई जाएगी, ऐसे कौन कौन से दान आपको करने हैं अपनी राशि के अनुसार, आपकी राशि जो है उसके अनुसार आपको क्या दान करना है और कितनी मात्रा में दान करना है, ये आपको बताया जाएगा। इस मकर संक्रांति के समय किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको पूरा वर्ष सूर्य देव और शनि देव की कृपा देंगे। साढ़े सती, ढैया, पनौती, महादशा, कुछ भी शनि के, राहु के या केतु के बुरे प्रभावों से गुजर रहे हो तो मात्र छोटे छोटे कुछ उपाय, दान, जाप करने से आप अपने जीवन में चल रही बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल आओगे और पाओगे शनिदेव और सूर्य देव की कृपा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में और धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम समझेंगे सूर्य देव और शनिदेव की जो एक मिलन है, मिलन यानी कि वो शुभ मिलन जिस मिलन को हम पूजनीय मानते हैं। इस पूजनीय समय में अगर आप कुछ छोटे छोटे, देखिए इस समय में ऐसा होता है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उस कर्म का आपको 14 गुना फल मिलता है। 14 गुना फल कैसे मिलता है, आपने कुछ योग के बारे में सुना होगा, द्वि पुष्कर, त्रि पुष्कर, इस तरह से ये योग होते हैं, यानी कि आपने जितने एक बार अगर दान किया उसका पुण्य फल आपको दो गुना होकर मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो 14 गुना आपको मिलता है। तो अब इस समय में करना क्या है, देखिए राशि जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो होगी आपकी चंद्र राशि। चंद्र राशि जैसे कि आपके नाम के अनुसार होती है, जिसको अपनी कुंडली नहीं पता वो अपनी नाम राशि से भी जान ले। यहाँ पर कोई लग्न का उपाय नहीं बता रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको राशि के अनुसार आपको क्या दान करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें तो फिक्स रखनी है, जिसमें होगा गुड़ की दो भेली ले लीजिए और उसके साथ आपने लेने हैं कुछ मात्रा में काले तिल। अब ये काले तिल और गुड़ की भेली, अब ये देखिए आपको सबसे पहले समझिए क्या तारीख होगी ये करने की। देखिए इस वर्ष की जो मकर संक्रांति है वो रात के समय सूर्य देव जो है जा रहे हैं मकर में, तो रात के समय तो आप करोगे नहीं। जनरली क्या होता है कि देखिए आप प्रांत के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार अगर आप करना भी चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आपने बाद में कर लिया या पहले कर लिया तो कोई आपके फल खराब हो जाएंगे, आपको जो परिणाम मिलने चाहिए अच्छे वो खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपके राज्य के अनुसार जिस तरह से आपसे मनाई जा रही है, चाहे वो 14 को मना लो चाहे 15 को मना लो, क्योंकि रात्रि के समय सूर्य देव जो हैं मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो रात्रि के समय तो ना मंदिर होगा ना पूजा पाठ होगी। तो इसलिए 15 तारीख की सुबह अगर आप करना चाहते हो तो 15 तारीख की सुबह से आप ये कर सकते हो। 15 तारीख को आपने क्या करना है, दो गुड़ की भेली, क्योंकि 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जा रही है। ये पंचांग के अनुसार है क्योंकि सूर्य देव का राशि परिवर्तन ये वो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आप अपने प्रांत के अनुसार, अपने सामाजिक उसके अनुसार, मान्यताओं के अनुसार करना चाहते हो तो आप 14 को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो मकर संक्रांति होगी इस समय में आपको लेनी है दो गुड़ की भेली, कुछ मात्रा में काले तिल। ये चीज़ें आप अरेंज करके पहले से रखिए, और ये जो गुड़ की भेली और काले तिल जो होंगे, जो भी मैं उपाय बताऊंगा उसके साथ देने ही देने हैं। हर एक राशि को ये दो काम तो जरूर करने हैं, बाकी चीज़ें एडिशनल होंगी जो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि ये साथ में ज़रूर कर लेना। तो दो गुड़ की भेली, काले तिल आपको सभी को दान करने हैं, उसके साथ आपको कुछ एडिशनल होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सुबह स्नान करना है। स्नान के लिए नॉर्मल स्नान नहीं होगा ये, स्नान में आपको कुछ कम मात्रा में एक चुटकी भर काले तिल डाल लेने हैं, और गंगा जल है आपके घर में तो आप गंगा जल की कुछ दो बूंदे उसमें डाल लीजिए नहाने के पानी में। हर हर गंगे का नाम आपने जप करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए आपने नहाना है, समझ लीजिए आपका गंगा स्नान हो गया। जो लोग तीर्थ स्थल जा सकते हैं वो ज़रूर जाइए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग स्नान, देखिए इस समय पर देखिए गंगा घाट या जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे देखिए किस तरह से लोग इतनी सर्दी में भी जाकर वहाँ पे स्नान करते हैं। हर एक चीज़ की एक अहमियत होती है।
अगर आप घर में ही सोच लो सब कुछ हो जाए तो नहीं होता। हाँ, उनके लिए जिनके लिए परेशानी है, जो लोग इस तरह से असमर्थ हैं, नहीं जा सकते, वो अपने घर में नहा लीजिए। अगर आप करने लायक हो और अगर नहीं जाते हो तो थोड़ा सोचना पड़ सकता है आपको कि उस तरह से फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। सभी कुछ बैठे घर में नहीं प्राप्त होता, बाहर निकलना पड़ता है। करिए, आपको नहाने के लिए अपने नहाने के पानी में इस तरह से 2 बूंद गंगा जल और थोड़े काले तेल डालकर नहा लेना। अगर आपने कहीं स्नान कर लिया कहीं धार्मिक स्थल में जाकर, तो बहुत ही बढ़िया, सबसे पुण्य फल आपको उसका प्राप्त होगा। तो सबसे पहले उनके बारे में जिनकी चल रही है साढ़े सती में देखिए, अगर मान लीजिए जिनकी मकर राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, जिनकी मीन राशि है, अगर ये राशि वाले हैं तो ये लोग राशि जो इनकी होगी, ये लोग आ रहे हैं साढ़े सती के प्रभाव में। और वो लोग जो धैया के प्रभाव हैं, जैसे कि जिनकी वृषभ राशि है, जिनकी कर्क राशि है, जिनकी कन्या राशि है और जिनकी वृश्चिक राशि है, ये लोग आ रहे हैं शनि की धैया के प्रभाव में। अब देखिए, धैया के प्रभाव में, साढ़े सती के प्रभाव में जो दशाओं के प्रभाव में है, उनको तो बहुत ज़रूरी है कि उपाय कर लें। अब इनके उपाय मैं अलग से बताऊंगा। सबसे पहले हम राशि के अनुसार समझते हैं, जिसकी भी ये राशि बनती है, मान लीजिए जिसकी मेष राशि है उसको क्या दान करना है और दान करने के लिए आपको क्या चीज़ों का इसमें सहयोग लगेगा, वो चीज़ें समझिए। जिनकी भी मेष राशि है उनके लिए दान करना रहेगा 1.25 किलो साबुत उड़द। ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा है 1.25 किलो साबुत उड़द, और इस तरह से 1 नारियल का गोला, 2 गुड़ की भेली और कुछ मात्रा में काले तिल, ये आप सुबह सुबह जाकर दान कराइए। जो समय होगा, जिस समय आपके यहाँ पर मंदिर वगैरह खुले हैं, उस समय जाकर मंदिर में दान कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आपका पूरा वर्ष जो है अच्छे से मंगलमय और खुशियों से भरा बीतेगा। अब वृष राशि वाले क्या करेंगे, जिनकी भी वृषभ राशि है उनके लिए चना दाल जो कि पीली दाल होती है, वो आप 1.25 किलो की क्वांटिटी में जाके मंदिर में दान कराइए। 1.25 किलो चना दाल, 2 गुड़ की भेली और कुछ मात्रा में काले तिल। जिनकी भी मिथुन राशि है, मिथुन राशि वाले क्या करेंगे, कुछ दही ले लेंगे। आपके यहाँ पर दही का पैकेट मिलता है, खुला मिलता है, जो भी अगर खुला मिलता है तो 100 ग्राम दही ले लीजिए, और आप 1.25 किलो चावल ले लीजिए, 2 गुड़ की भेली ले लीजिए और काले तिल ले लीजिए। ये आपको जाके मंदिर में दान कर कराने हैं। कर्क राशि वालों के लिए सरसों तेल का दान होगा। सरसों तेल की बॉटल ले लीजिए, खुला ले लीजिए, किलो के हिसाब से आप सरसों का तेल ले लीजिए, 2 गुड़ की भेली, काले तिल, ये चीज़ें जाके मंदिर में आप किसी मूर्ति के आगे रखाइए, पुजारी को दे आइए, कुछ भी, जो भी दान होगा मंदिर में पहुंच गया तो हो गया आपका उपाय। जिनकी भी सिंह राशि है उनको क्या करना है, पीले फूल की माला, जो गेंदा फूल होता है, गेंदा फूल की माला आप शिवलिंग पर अर्पित करके आएंगे, और साथ ही आपको एक हल्दी का पैकेट, 100 ग्राम का हल्दी का पैकेट, जो पिसी हुई हल्दी होती है, वो आपको मंदिर में दान करनी है, 2 गुड़ की भेली और कुछ मात्रा में काले तिल। कन्या राशि वालों के लिए मक्खन की एक टिकिया मार्केट से ले लीजिए, अच्छी वाली, जो बड़ी वाली होती है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, जितना अच्छा दान करोगे उतने ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। अच्छी सी मक्खन की टिक्की, 2 गुड़ की भेली, काले तिल, ये आपको मंदिर में दान करने हैं। तुला राशि वालों के लिए 2 गुड़ की भेली, काले तिल और 1.25 मीटर काला कपड़ा, ये चीज़ें आपको मंदिर में दान करनी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए चना दाल, 1.25 किलो चना दाल, 2 गुड़ की भेली, कुछ मात्रा में काले तिल, ये आप धर्मस्थान में दान करें। धनु राशि वालों के लिए दही, 100 ग्राम करीब दही, 1.25 किलो चावल, 2 गुड़ की भेली और कुछ मात्रा में काले तिल, ये आपको मंदिर में दान करने हैं। मकर राशि वालों के लिए आपको लगभग एक लीटर की सरसों तेल की बॉटल और एक काजल की टिकिया, 2 गुड़ की भेली और कुछ मात्रा में काले तिल, ये आपको मंदिर में दान कर देने हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आपको क्या करना है, 1.25 किलो चना दाल और बेसन के लड्डू और 1.25 किलो चना दाल, 2 गुड़ की भेली और काले तिल, ये आपको मंदिर में दान कर देने हैं। मीन राशि वालों के लिए आपको लेनी है एक मक्खन की टिकिया और गाय का शुद्ध देसी घी। अब ये शुद्ध देसी घी जो है, ये किसी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। मार्केट में मिलने वाला 20 रुपये का जो पैकेट होता है गाय का घी वाला, चाहे तो आप वो भी ले सकते हो। 2 गुड़ की भेली, काले तिल, कुछ मात्रा में 5-10 रुपये के, ये आपको मंदिर में दे देने हैं। अब बात करते हैं साढ़े सती और ढैया और राहु की दशा, शनि की दशा, ये जो दशाओं के और धैया और साढ़े सती के प्रभाव में, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए 1.25 किलो काला उड़द, 1.25 किलो काला उड़द और 14 नारियल के गोले, ये 14 नारियल के गोले इस तरह से देखिए जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये 14 नारियल के गोले, 2 गुड़ की भेली और 10 रुपये के करीब काले तिल, ये चीज़ें आपने सभी सामग्री मिला के आपको मंदिर में देनी है। अब ये लोग जो साढ़े सती ढैया जो भी हैं जानते हैं कि हाँ उनके ऊपर ये प्रभाव चल रहे हैं, दशा वगैरह कुछ भी है, वो इस तरह से दान कर दें
देखें आपके जो जीवन में प्रभाव हैं वो सही रहेंगे। तो दोस्तों इन सब जानकारियों को आप कर लीजिए और ये समय है, कर लिया दान तो आपका महाकल्याण कब हो जाए कैसे हो जाए ये आपके ही हाथ में है। क्योंकि देखिए हमारे पुण्य कर्म हमेशा हमारे सामने आते हैं, बुरे कर्म हैं वो भी सामने आते हैं। तो पुण्य कर्मों का जो वजन है, पुण्य कर्मों की जो लेयर है उनको बढ़ाइए, जो बुरे कर्म हैं वो अपने आप ही छोटे पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इन जानकारियों को जीवन में अपना कर और दान पुण्य ये सब मौके पर कर अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आइए। बाकी आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ, आपकी इच्छाएं मुरादें पूरी हों यही कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।